नमस्कार, पुस्तक समीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनैना और आप देख रहे हैं शब्दांकुर प्रकाशन। आज हम बात करेंगे एक नाटक की। नाटक का नाम है और नदी फिर बहने लगी। इस नाटक को लिखा है श्याम किशोर अग्रवाल जी ने। श्याम किशोर अग्रवाल जी का जन्म स्थान है उड़ीसा और उनका वर्तमान में स्थायी पता है पुणे महाराष्ट्र। श्याम किशोर अग्रवाल जी भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हैं। अब हम बात करेंगे इस कहानी की जो आप देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल में कहानी का नायक जिसका नाम है सागर, वो बंद है और एक ऐसे अपराध के लिए बंद है जो उसने नहीं किया। वो उस अपराध में सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि उसे आत्मग्लानि है कि ये अपराध जो हुआ है उसके कारण हुआ है, इसलिए उसने इस गुनाह को मंजूर करके कबूल करके आज इस जेल में बैठा हुआ है। या ये कहूँ कि इस जेल में कैद है और इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं है। जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, ऐसा ही एक तिनका सागर को भी मिला जिसका नाम था खान साहब। खान साहब की आज नई नई पोस्टिंग हुई थी और पोस्टिंग के पहले ही दिन उन्होंने जेल की तमाम फाइलें अपनी टेबल पर रख ली और जब उन्होंने सागर के केस की स्टडी की तो उन्होंने जाना समझा कि सागर अपराधी नहीं हो सकता। वो उस बच्ची की हत्या नहीं कर सकता, वो बच्ची जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसने खुद ली थी। और क्योंकि सागर के साथ उसका एक अपना खुद का निजी अनुभव भी रहा है, जब वो एक बैंक में कार्यरत था तब उसने खान साहब की सहायता की थी, तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है वो हत्या कैसे कर सकता है, खान साहब को यकीन ही नहीं हुआ। जब खान साहब ने अपने कलीग से चर्चा की तो उनके कलीग ने कहा, साहब हम क्या करें, जब सागर ने खुद ही अपना गुनाह मंजूर कर लिया तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा का परिणाम ये हुआ कि इस केस की स्टडी दोबारा की जाएगी और सच का पता लगाया जाएगा। इसके ही विपरीत आज ही के दिन एक ऑर्डर आता है कि 15 दिन बाद सागर को फांसी दी जाएगी। लेकिन इस बात का सागर को बिल्कुल कोई भी अफसोस नहीं है, लेकिन खान साहब को बहुत दुख है। वो चाहते हैं कि इस केस की दोबारा स्टडी हो और सागर को बेगुनाह साबित किया जाए। परिणाम स्वरूप वो सागर से मिलते हैं, सागर को उसकी फांसी की इत्तला देते हैं। सागर बस एक इच्छा प्रकट करता है और वो ये कि जिस बच्ची की हत्या का इल्ज़ाम उस पर लगा है उसके दादाजी से वो मिलना चाहते हैं। तो क्योंकि खान साहब उसकी मदद करना चाहते हैं तो मुमकिन ना होने पर भी किसी तरह सागर की मदद करते हैं और कुछ वक्त के लिए सागर को बेल मिल जाती है ताकि वो लक्ष्मी जिसकी हत्या का इल्ज़ाम सागर पर है उसके दादाजी से मिलें और उनसे माफ़ी मांगे या उन्हें बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी उसके विचार उसके मन में जो भी विचार थे। एक तरफ तो सागर कुछ दिन के लिए रिहा था, या ये कहूँ कि कुछ वक्त के लिए रिहा था, दूसरी तरफ उसके केस की स्टडी हो रही थी। केस की स्टडी के दौरान पाया गया कि जिस बच्ची की हत्या का इल्ज़ाम सागर पर है, जिस बच्ची को मृत देखा सागर ने, जिसका चेहरा विकृत हो चुका था, पहचानना मुश्किल था, जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी, जिसका शरीर इस प्रकार फूल चुका था कि उसे पानी में फेंक दिया गया हो, वो बच्ची किसी बड़े उद्योगपति की बेटी थी जिसका अपहरण किया गया था और उसके बाद 1 करोड़ की फिरौती लेने के बावजूद उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई। ये खान साहब की स्टडी के दौरान पता चलता है। इसी दौरान दूसरी तरफ सागर लक्ष्मी के दादाजी की तलाश में निकला था। सागर की जो समस्या है वो यही नहीं है, सागर की समस्या आज से कई साल पहले शुरू हुई थी। हम समाज में देखते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, हमारे समाज में क्या है कि इतनी कुरीतियाँ हैं जिस पर नज़र दौड़ाना या उस पर ध्यान देना हम लोग इग्नोर कर देते हैं या हम लोग अनदेखा कर देते हैं उस पर, लेकिन लेखक ने उस ओर भी ध्यान दिया है। जात पात की बात करें, जैसे जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी हमारे समाज में खूब देखने को मिलती है, इसका दुष्परिणाम बहुत देखने को मिलता है। सागर एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था, उसे एक अन्य जाति की लड़की से प्रेम हुआ, परिणाम स्वरूप उसके माता पिता ने उसका बहिष्कार कर दिया गया, सागर को अपना घर छोड़ना पड़ा। विवाह के कुछ समय पश्चात सागर की बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सागर ने लक्ष्मी ही रखा था।
सागर को लगा कि मेरे माता पिता अब मुझे स्वीकार कर लेंगे, तो सागर अपने घर जाता है अपने माता पिता से मिलने के लिए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि पता चलता है कि सागर के माता पिता का देहांत हो गया है और मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक धार्मिक ट्रस्ट के नाम कर दी है। सागर का दुख यही खत्म नहीं होता। इस घटना के कुछ साल बाद सागर रेलवे स्टेशन पर रोज आया जाया करता है। उसका कहना है कि यहाँ पे सुख और दुख दोनों देखने को मिलते हैं। यहीं पर ही मुलाकात होती है उस बच्ची से जिसकी हत्या का इल्ज़ाम सागर पर है। वो बच्ची भी 8 साल की हो चुकी थी और वो इस रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना फूल बेचने आती थी। फूल बेचने आती थी, इससे एक और कुरीति पर नज़र दौड़ाइए हमारे समाज की बाल मजदूरी की ओर। आप जब भी कोई सफ़र करते हैं तो 3 घंटे के, 4 घंटे के या 24 घंटे के सफ़र में ऐसा एकाद दृश्य तो आप भी देखते होंगे, मैंने भी देखा है। खैर, कहानी की बात करते हैं। सागर जब देखता है कि एक 8 साल की बच्ची फूल बेचने आती है रेलवे स्टेशन पर और रोज चली जाती है, तो उसे इस बच्ची में अपनी बेटी लक्ष्मी की झलक दिखाई देती है। वो बच्ची जो अब उसके पास नहीं थी, जिसे वो समझता है कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बच्ची की परवरिश का फैसला सागर करता है और इसकी जिम्मेदारी उठाता है। इस बच्ची के दादाजी से लक्ष्मी की पढ़ाई के बारे में, क्योंकि इस बच्ची में उसकी अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है, तो इस बच्ची का नाम भी सागर ने लक्ष्मी रख दिया। अब लक्ष्मी के दादाजी से इजाज़त लेकर सारी जिम्मेदारी सागर अपने ऊपर लेकर लक्ष्मी को अपने साथ रखता है, उसे पढ़ाता है लिखाता है। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश सागर की गैर मौजूदगी में लक्ष्मी कहाँ चली जाती है ये किसी को नहीं पता। और जब वो उसकी तलाश करता है तो पेड़ के नीचे, उसके घर के पास पेड़ के नीचे एक बच्ची का मृत शरीर मिलता है, जिसका चेहरा विकृत है और उसकी, मतलब उसकी दशा ऐसी है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसी ही इस दशा को देखकर उसके दिल में इतना, मतलब इतनी आत्मग्लानि हुई सागर को, कि उसको लगा कि मेरी वजह से इस बच्ची की ये हालत है, मैंने इसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली थी और आज मैं ही इसकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। तो परिणाम स्वरूप वो इस बच्ची की हत्या का इल्ज़ाम अपने सर लेता है और इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे फांसी हो जाए। वो अपनी फांसी को सुनकर दुखी नहीं है, वो इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ना उसकी अपनी बेटी लक्ष्मी उसके पास है, ना पत्नी है, ना माता पिता है, और वो बच्ची जिसे उसने अपनी बेटी माना वो भी उसके पास नहीं है। खैर, एक तरफ तो खान साहब को पता चल चुका है कि जिस बच्ची की हत्या की गई वो बच्ची लक्ष्मी नहीं है, दूसरी तरफ सागर तलाश कर रहा है लक्ष्मी के दादाजी की। तलाश पूरी नहीं हुई और वो हार कर अपने घर जब पहुंचता है सागर, तो देखता है कि एक बच्ची की खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज़ उसके कानों पे पड़ती है। और जब नज़र दौड़ाई तो देखता है कि उसकी अपनी पत्नी सुरभि और वो बच्ची जिसकी हत्या का इल्ज़ाम सागर पर है, वो दोनों वहाँ मौजूद हैं। जब वो समझता है, देखता है और जानता है, पूछता है कि बेटा तुम कहाँ थी, बेटी कहाँ थी इतने दिन तक, मैं कितना परेशान था, मतलब कुछ बातचीत होती उसके बाद लक्ष्मी, जो फूल बेचने वाली लक्ष्मी है, वो कहती है कि ये औरत जो बोल नहीं सकती, जो आपके सामने है, वो मेरी माँ है और वो औरत सुरभि है जो सागर की पत्नी है। तो कुल मिला के कहानी के अंत में ये पता चलता है कि जिस बच्ची में सागर अपनी बेटी की झलक देखता है, वो उसकी अपनी बेटी है जो कई साल पहले खो गई थी। कहानी के अंत में सागर और सुरभि का मिलन हो जाता है। सागर के दुखों का अंत तो नहीं कह सकते, पर उसको जीने की वजह मिल जाती है, दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू करने की वजह मिल जाती है। माता पिता तो वापस नहीं आ सके, लेकिन पत्नी और बेटी वापस मिल जाते हैं। यही कहानी का अंत हो जाता है। कहानी के अंत के साथ ही पाठक के जहन में कई सवाल उठते हैं। वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं कि सुरभि इतने साल तक कहाँ थी, और अगर वो किसी के साथ थी तो घर क्यों नहीं आई, और अब वो बोलती क्यों नहीं, क्योंकि लक्ष्मी ने कहानी के अंत में बताया कि माँ बोलती नहीं, तो सुरभि क्यों नहीं बोलती, क्या वो अब बोल नहीं सकती या उसे याद नहीं है। इस तरह के सवाल पाठक के मन में हैं। एक लाइन में कहा जाए तो कहानी का अंत नाटकीय रूप से किया गया है। तो ये थी कहानी इस नाटक की, जिसका नाम है और नदी फिर बहने लगी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी नई किताब की समीक्षा के साथ।
बाय बाय।